व्हाट अप माय ब्यूटीफुल एम्बियंस, हाउ आर यू गाइस? आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। सो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2, बट 2 बजने से पहले मुझे आपको बताना था, जब मैं सो के उठा तो मैंने सोचा कि थोड़ी हाफ एडिटिंग मेरी बच गई थी तो मैं वो करने की सोच रहा था। और गाइस, जब मैंने मेरे एयरपॉड्स ढूंढे बट मेरे एयरपॉड्स मुझे मिल ही नहीं रहे थे, मेरा तो हार्ट मुंह में आ गया था कि बाप रे, इतने महंगे एयरपॉड्स मेरे से गुम हो गए। तो मिले मेरे को यहाँ पर, तो अभी मैंने यहाँ पे ऐसे रख दिए हैं, दिख रहे हैं गाइस, ऐसे मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। पर रात को मैंने मेरा लास्ट व्लॉग एडिट करके इधर ही ऐसा रख दिया था और गलती से जो एयरपॉड है नीचे गिर गया। और जब मैं सो के उठा ना सुबह सुबह, तो मम्मी ने ये सब एरिया साफ किया था, ये जो कंपार्टमेंट है, तो मम्मी ने इसको एक इसमें डाल दिया था, दूसरा उसमें था नहीं। तो जब मैंने दूसरा देखा तो उसमें एयरपॉड दूसरा मिला नहीं, तो मैं एकदम टेंस में होगा कि अरे बाप रे, एयरपोर्ट्स कहाँ पे गए। तो एकदम गाइस टेंस्ड हो गया था कि मेरे एयरपोर्ट्स गए कहाँ पे। तो 4 घंटा ढूंढने के बाद मुझे फाइनली ये जो एयरपोर्ट्स है, मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और खोट को पीछे करके ये जो एयरपोर्ट दिख रहा है ये मिला मेरे को। और देख रहे हो इसकी दशा क्या हो गई है, थोड़ा ख़राब हो गया है ये। और बस बहुत टेंस भी हो गया था कि मेरे ये सबसे फेवरेट एयरपोर्ट है, क्या बजते हैं गाने, एयरपोर्ट्स पर की बात ही कुछ और है। वो टेंस हो गया था, फिर बाय फाइनली मिल गया है। अब मेरी खुद की लापरवाही कि मैंने ऐसा उसको रख दिया था। सो कभी भी अगर आप एयरपोर्ट यूज़र हो या फिर कौन से भी ऐसे टाइप के ईयरफोन यूज़र हो तो संभाल के रखा करो, बाद में अगर घूम गए तो जान पे आती है। एंड गाइस, लॉकडाउन लग गया यार, लॉकडाउन लिटरली लग गया। मतलब मेरा प्लान था 10 अप्रैल तक की किसी जगह पे राइड पे जाने का, बट अभी मे बी वो पोस्टपोन करना पड़ेगा मुझे बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। 30 अप्रैल तक गाइस लॉकडाउन होने वाला है। वो टेंस टू गाइस कि अभी क्या होगा आगे। मतलब इतनी ड्यूक ली है वो नीचे खड़ी करने के लिए नहीं ली है मैंने, राइड पे लेके जाने के लिए ही ली है। तो ऑसम ऑसम जगह पे मुझे जाना है राइड के लिए। ये क्या उतर क्या बना के रखा है तुम लोग ने इतना? हम लोग को क्या पता किधर जाने का करके, बाल भी नहीं भिंडी किधर रखता है, रास्ते से उठ के आ गया लगता है, ये चड्डी पे रहता लगता है। तो अच्छा है जरा धूप देख, तेरे जैसा वीडियो तो होना मांगता है। मम्मी बना देती कि इसको वो एक इसमें बन के ऐसा रख देते मम्मी। ये गाड़ी का स्टंट मारते हो? ये गाड़ी का स्टंट तुमको देखने का है क्या? ये उड़ाता है ऐसा, पहले 1000 रुपए निकालो स्टंट देखने का है तो। तू ऐसा खड़े रहे, कैमरा दिख गया इसको, तू ऐसा इसको अपन खड़े रखते हैं ऐसे और तू बीच में ऐसा। हाँ तू ऐसा बीच में खड़ा रहे तो तेरे आंख के ऊपर से ऐसा गाड़ी उड़ाएगा। ए भाई रास्ते पे मस्ती मत कर, इधर ए रास्ते पे मस्ती मत कर, गाड़ी है तू हिल मत। देख इधर खड़ा रहने का, मैं गाड़ी भगाएगा और तेरे ऐसे सर के ऊपर से लेके जाएगा, स्टंट करते हैं। अरे अरे तुम ही तो बोलो स्टंट करता है तो क्या आदमी। अरे यार ये गाड़ी कैसे लेके उधर से, चलो अले गद्दा तले तने तल्ला गद्दा तेली ताले तोलू। इधर आ रहे, ये मेरा दोस्त है गाइस बाय द वे, मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है इधर। अरे गाड़ी का जरा मॉडिफाई करने के लिए आया था रे, जा रहा है हाई में है क्या? हाँ आना आना। ओके सो दोस्त भी मिल गया मेरा बचपन का। ऑलराइट सो अभी जो गाड़ी दुकान की तरह इधर है दुकान। ओके तो यहाँ पे हम अभी लगाएंगे गड्डी और होगा मॉडिफाई, और यहाँ पे है सारे सामान और फिर कुछ नहीं। बंद करो खुले में हगना बंद करो। क्या है ये, क्या उत्तर बना कर गए? तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ बाइक को मॉडिफाई कराने के लिए। नाम भूल जाता है इतना भारी बॉडी बिल्डर का, किसका उनका नाम भूल गया तू? अरे नहीं मतलब मैं थोड़ा ये हो गया रे, फंबल मार दिया, फंबल मारते चक्कर में थोड़ा ये हो गया, भूल गया मैं। और यहाँ पे मेरा मल्हार, तो आज मेरे मल्हार को करने वाला हूँ मॉडिफाई। अब मॉडिफाई में क्या क्या होने वाला है वो आपको बाद में मालूम ही पड़ेगा। तो बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि मल्हार को मॉडिफाई करो मॉडिफाई करो, सो फाइनली आज वो शुभ दिन आ गया है मॉडिफाई करने का। तो यहाँ पे सारे सामान है मेरे ड्यूक 390 पे बैठने वाले। सो भाई क्या क्या आज अपने गाड़ी पे मॉडिफिकेशन होने वाला है? टॉप रैक सैडल स्टे, अच्छा पे फॉग लाइट, मतलब आज 50% तो नहीं 30% का काम मैं करने वाला हूँ। अभी वो 30% का काम भी बहुत बड़ा काम है, बराबर ना? पहले सेफ्टी फर्स्ट, गाड़ी की सेफ्टी फर्स्ट, फिर बाद में जैकेट एंड ऑल तो लूंगा ही। क्या यार गाड़ी फुटपाथ के नीचे चढ़ा रहे, इसे ना टॉप रैक बोलते हैं।
इसको ना इसको इधर 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 बिठाते इसको बैग रखेगा क्या इसके क्या बैग रखेगा क्या नहीं रे वो और एक जन को इस पे बिठा के लेके जाए साक्षी और एक जन को नहीं उधर बैग रखने का जगह है उधर कैसा बैठेगा क्या तेज चिक्कू को बिठाएगा ना पीछे और इसको ना क्रैश गार्ड बोलते हैं इसको ना अपन इधर बिठा दे जिम में देखा था क्या इसको ऐसा इधर लगेगा किधर तो पता नहीं इधर शॉन को बिठाएगा ऐसा पकड़ के लटक के बैठेगा अब 10-12 जन तो आराम से बैठ पाएगा मेरे गाड़ी पे 10-12 जन देखो गाइस ना देखो उसको ट्रक वो आया था ना एक बार वायरल वीडियो हां गाड़ी भी इस साइड लग गया है तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे लग गया है तो यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा क्या लगता है गाइस लगाना पड़ेगा ना वहाँ पे अरे काम कर एक पर्दा लगा मस्त पर्दा गाड़ी पे पर्दा भी इधर लगा कार बना पूछता क्या मानो क्या बोलता गिरेगा तो किधर किधर घिसेगा नहीं मतलब पूछना पड़ता है ना गाड़ी गिरेगा तो किधर घिसेगा मैंने इसे इंस्पायर हो रहा है मैं ऐसे सोच रहा है टार्जन द वंडर बाइक बना टार्जन द वंडर बाइक बना पाएगा एक बार पर उसके लिए ना नॉलेज मांगते हैं वो जो तेरे में नहीं कूट के भरा है ऐसा फाड़ो इसको ऐसा पूरा फाड़ो हाथ में नहीं आता अब हुई ना बात मॉडिफिकेशन का काम तो चल ही रहा है बट अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे मैं सब करूँ क्या हाँ टिप देगा ना किसको 10,000-20,000 टिप देता अभी फिलहाल तो जरा फाइनेंशियल कंडीशन लो अपनी जब अच्छी होगी तब मैं जरूर देखो टिप दूंगा अभी फिलहाल के लिए तो गाइस फाइनली अभी क्रैश गार्ड टॉप रैक और सैडल स्टे बिट चुका है मेरे मल्हार पे और भी बहुत सारे काम करने हैं बट वो मैं धीरे धीरे काम करने वाला हूँ सो जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरी बाइक कुछ इस तरह से दिख रही है सो ये थोड़ा डोप सीन हो गया है और यहाँ पे पीछे बैठने वाले के लिए एक टेका भी हो गया है और यहाँ पे सैडल बैग्स मेरे रहेंगे और ये जो क्रैश गार्ड है ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं सो और भी ये तो अभी 30% काम हो गया है गाइस और भी लाइक 70% काम बाकी है लाइक लाइट्स बिठाना बहुत सारी चीज़ें मैं बहुत सारी मॉडिफिकेशंस करने वाला हूँ बट अभी नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ सम ऑब्वियस रीजंस क्योंकि थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो गया है तो मैं धीरे धीरे सब खर्चे करने वाला हूँ लेट मी इंट्रोड्यूस यू भैया इनके शॉप से ही मैंने ये कराया है सो भैया और हम क्या क्या मॉडिफिकेशंस करने वाले लाइक मेन ओके सो एज पर जो सर राइड के लिए ये बाइक यूज़ करने वाले हैं तो इस हिसाब से बाकी तो सारे मोस्ट ऑफ चीज़ें हमने लगा दी है क्रैश गार्ड सैडल स्टे टॉप रैक एंड ऑल बाकी जैसे कि लगेज में आ गया टॉप बॉक्स आ गया फिर सैडल बैग्स तो ये सब चीज़ें और इसमें एड ऑन हो जाएंगी फिर आगे विंड ब्लास्ट के लिए विंडशील्ड आ जाएगा और भी बहुत सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं लाइक जैकेट एंड ऑल तो पर धीरे धीरे होने वाला है सब एक साथ तो नहीं होगा और फिर कुछ नहीं सो अभी टाइम आ गया है इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड करने का एंड गाइस अगर आप डोंबिवली से या फिर कहीं से भी देख रहे हो चलेगा ना yes, yes, तो अगर आपको बाइक के मॉडिफिकेशंस करने हैं देन बाइकर्स आउटलेट इज रेडी फॉर यू एंड जो भी मॉडिफिकेशंस करने भैया आपको करके देंगे और आप अगर मेरा नाम लेके आओगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं तो व्यूअर्स को डिस्काउंट जरूर मिलेगा सो अभी समय आ गया है इस वीडियो को एंड करने का सो जाते जाते लाइक बटन को दबा कर कीजिए ब्लैक सब्सक्राइब बटन को दबा कर कीजिए सो टिल देन आई एम अमय भोसले विद स्वप्निल एट बाइकर्स आउटलेट साइनिंग आउट फ्रॉम एमबीट्यूब हैव अ गुड डे मिलते हैं कल 11:30 को शाम बाय